अ वेरी गुड मॉर्निंग डियर एस्पिरेंट्स, बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे दिस डे इन हिस्ट्री सेगमेंट के ऊपर, जहां हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं इतिहास से जुड़े कुछ ऐसे खास फैक्ट्स और घटनाओं को जो आपकी इन सभी आने वाली गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके साथ लेक्चर के अंत में हम आपसे शेयर करेंगे कुछ बेहद लाभदायक प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी, दैट विल बी बेस्ड ऑन ऑल द फैक्ट्स दैट वी डिस्कस हियर टुडे। तो आप अवश्य ही आज के सभी फैक्ट्स को ध्यान से देखिए और उसके बाद इन क्वेश्चंस के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। इनके आंसर्स आप हमारे साथ निरंतर शेयर कीजिए इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि इनके लगातार अभ्यास से भी आपको इन सभी एग्जाम्स में बेहद लाभ प्राप्त होगा। तो आइए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं 20th अप्रैल अर्थात आज के दिनांक से जुड़े हमारे तमाम इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट्स की। सबसे पहला फैक्ट यहाँ संबंधित है वर्ष 1914 अर्थात 1914 से, व्हेन उड़िया राइटर ऑफ द मिड 20th सेंचुरी गोपीनाथ मोहंती वॉज बोर्न, अर्थात 20वीं शताब्दी के मध्य में उड़िया लेखक गोपीनाथ मोहंती का जन्म आज ही के दिन हुआ था। वह एक प्रोलिफिक उड़िया भाषा के लेखक थे। उन्होंने उड़िया प्रशासनिक सेवा में काम किया था और बाद में उत्कल यूनिवर्सिटी में इंग्लिश प्रोफेसर का पद भी संभाला था। इन 1986 ही जॉइंड सेंट जो स्टेट यूनिवर्सिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स एज एन एडजंक्ट प्रोफेसर ऑफ सोशल साइंसेस। ये प्रसिद्ध हैं फॉर बीइंग द फर्स्ट विनर ऑफ द नेशनल साहित्य एकेडमी अवार्ड इन द ईयर 1955 फॉर हिज फेमस नॉवेल अमृतारा संताना। इट वाज द फर्स्ट साहित्य एकेडमी अवार्ड एवर गिवन टू अ क्रिएटिव लिटरेरी वर्क इन एनी लैंग्वेज और एनी जॉनर। इसके अलावा भी इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इन 1973 फॉर हिज एपिक माटी मटाला अर्थात द फर्टाइल सोयल। ही वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड द सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड इन 1970 और इन 1981 भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया इन रिकॉग्निशन फॉर हिज डिस्टिंग्विश्ड कॉन्ट्रीब्यूशन टू लिटरेचर। He was an emeritus fellow of the Government of India for creative writing. इनकी पहली नॉवेल थी माना गहिराना चासा, which was published in 1940, which was followed by दादी बुधा in 1944 and then पराजा। He translated Leo Tolstoy's War and Peace, अर्थात युद्ध और शांति, in 3 volumes, और इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर की जोगा जोग को भी उड़िया में अनुवादित किया था। इसके अलावा भी यह एक बेहद मशहूर पटकथा लेखक थे। तो आइए दोस्तों, अब चलते हैं अपने अगले फैक्ट की तरफ और ये संबंधित है 1946 से, व्हेन द लीग ऑफ नेशंस वाज ऑफिशियली डिसॉल्वड अर्थात राष्ट्रसंघ को आधिकारिक रूप से भंग कर दिया गया था। The League of Nations, the intergovernmental organization which was the predecessor to the present day United Nations, was officially dissolved on 20th April 1946. अब जान लेते हैं इस organization अर्थात League of Nations का कुछ background। तो आप याद रखिए कि 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा था तो एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लिए यूके और यूएसए में बड़े पैमाने पे सार्वजनिक मांग उठी, जो कि भविष्य में आगे किसी भी युद्ध संभावना को रोक सके। इन 1914 द ब्रिटिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट गोल्ड्सवर्थी डिकिंसन अलोंग विद ब्रिटिश एकेडमिक एंड पॉलिटिशियन लॉर्ड ब्राइस formed an international pacifist group called the Bryce Group. इसको बनाया गया था on 10th January 1920, following the Paris Peace Conference that ended the First World War. League of Nations ने अपने forerunner organization का उत्तराधिकार किया था, जो कि था
द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन अर्थात IPU विच हैड बीन क्रिएटेड लॉन्ग बैक इन 1889. द US डिड नॉट जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन इवन दो अमेरिकन प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन हैड प्लेड एन एक्टिव रोल इन इट्स फॉर्मेशन. ली की पहली मीटिंग हुई थी 16 जनवरी 1920 को. इट्स इनिशियल हेडक्वार्टर्स वर इन लंदन, परंतु बाद में इन्हें जनेवा शिफ्ट कर दिया गया था जो कि स्विट्जरलैंड में है. द परमानेंट मेंबर्स ऑफ इट्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल वर UK, फ्रांस, इटली एंड जापान. परंतु एक बार सेकेंड वर्ल्ड वॉर डिक्लेयर हो गई तब लीग एग्जिस्टेड ओनली नॉमिनली, और अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र के गठन के पश्चात 20 अप्रैल 1946 में इसको आधिकारिक रूप से भंग कर दिया गया था. मेनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस एंड एजेंसीज वर्किंग अंडर द लीग ऑफ नेशंस वर लेटर पास्ड ऑन टू द यूनाइटेड नेशंस. और ये तो हम सभी जानते हैं दोस्तों कि किस प्रकार यूनाइटेड नेशंस अर्थात संयुक्त राष्ट्र के हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क सिटी में स्थित हैं इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. लीग का गठन एक और युद्ध की संभावना को रोकने के इरादे से किया गया था, परंतु यह इस मिशन में असफल रहा. इट कुड नॉट प्रिवेंट सर्टन इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स दैट वुड लीड टू द आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सम ऑफ देम वर स्पैनिश सिविल वॉर एंड द इन्वेजन ऑफ चाइना बाय जापान. और इसी कारण द फेलियर ऑफ द लीग वॉज ऑल्सो एट्रीब्यूटेड लार्जली टू द लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. और अब इसके साथ चल के देखते हैं अगला फैक्ट आज का कौन सा है. तो ये संबंधित है 1960 से, जब इंडियन फ्लूट प्लेयर एंड कंपोजर पन्ना लाल घोष पास्ड अवे, अर्थात भारतीय बांसुरी वादक और संगीतकार पन्ना लाल घोष का निधन आज ही के दिन हुआ था. पंडित पन्ना लाल घोष, जिन्हें अमल ज्योति घोष भी बुलाया जाता है, वॉज अ वेरी फेमस इंडियन फ्लूट अर्थात बांसुरी प्लेयर एंड कंपोजर. उनका संबंध वेस्ट बंगाल राज्य से था. उनके पिता अक्षय कुमार घोष एक प्रसिद्ध सितार वादक थे. ही वॉज अ डिसाइपल ऑफ अलाउद्दीन खान. उनका इम्पॉर्टेंट योगदान है इन पॉपुलराइजिंग द फ्लूट एज अ कॉन्सर्ट इंस्ट्रूमेंट इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक. और इनको कहा जाता है एज द पायनियर ऑफ द इंडियन क्लासिकल फ्लूट. द लॉन्ग बैम्बू फ्लूट्स ही क्रिएटेड आर पॉपुलरली प्लेड बाय सब्सिक्वेंट फ्लूटिस्ट्स टू रेंडर हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक. ये कंडक्टर थे ऑफ द ऑल इंडिया रेडियोज वाद्य वृंदा अर्थात ओकेस्ट्रा फ्रॉम 1956 टिल हिज डिमाइस इन 1960. उन्होंने कई जाने माने भारतीय फ्लूट प्लेयर्स को प्रशिक्षण दिया है, जैसे कि हरिप्रदा चौधरी, अमीनुर रहमान, फकीर चंद्र समंता, सुधांशु चौधरी, राम प्रसाद मुखर्जी एंड सुधाकर घयाल. और अब इसके साथ चल के देखते हैं आज का अगला आवश्यक फैक्ट, जो है संबंधित 1967 से, व्हेन US लैंडर सर्वेयर 3 लैंडेड ऑन द मून. अर्थात अमरीकी लैंडर सर्वेयर 3 चंद्रमा की सतह पे आज ही के दिन उतरा था. सर्वेयर 3 वॉज द थर्ड लैंडर ऑफ द अमेरिकन अनक्रूड सर्वेयर प्रोग्राम सेंट टू एक्सप्लोर द सर्फेस ऑफ द मून इन 1967. इसको अप्रैल 17, 1967 में प्रक्षेपित किया गया था. सर्वेयर 3 लैंडेड ऑन 20th अप्रैल 1967 एट द ओशनिस प्रोसिलारियम इन अ स्मॉल क्रेटर दैट वाज सब्सिक्वेंटली नेम्ड सर्वेयर. इट ट्रांसमिटेड 6,315 टीवी इमेजेस टू द अर्थ, द वेरी फर्स्ट वंस फ्रॉम द मून सर्फेस. यह मिशन पहला था टू कैरी अ सरफेस सॉइल सैंपलिंग स्कूप. सैंपल्स ऑफ सॉइल वर प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द सर्वेयर्स टेलीविजन कैमरास टू बी फोटोग्राफ्ड एंड द पिक्चर्स वर देन रेडियोड बैक टू द अर्थ. सर्वेयर 3 इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि वर्ष 1969 नवंबर में द अपोलो 12 लूनर मॉड्यूल हैड लैंडेड नियर सर्वेयर 3 इटसेल्फ.
अपोलो 12 मिशन के एस्ट्रोनॉट्स पीट कॉनराड एंड एलन बियन ने सर्वेयर 3 को विजिट किया था इन नवंबर 1969 और उन्होंने इसके टेलीविजन कैमरा को निकाल के धरती पे वापस लाया था अध्ययन के लिए। इस कारण सर्वेयर 3 रिमेन्स द ओनली प्रोब दैट वाज विजिटेड बाय ह्यूमंस ऑन अनदर वर्ल्ड। जब 3 मई 1967 को पहली बार लूनर नाइटफॉल हुआ, सर्वेयर 3 बंद हो गया क्योंकि इसके सोलर पैनल इस समय तक बिजली का उत्पादन नहीं कर पा रहे थे। अगली लूनर सुबह जब हुई, अर्थात 14 टेरेस्ट्रियल दिनों के पश्चात, जिसको कि 336 आवर्स के हिसाब से भी नापा जाता है, तब तक सर्वेयर 3 को फिर से दोबारा सक्रिय नहीं किया जा सका क्योंकि अब तक बेहद ठंडे तापमान में एक्सपोज होने की वजह से इसमें खराबी आ गई थी। तो अब चल के देखते हैं दोस्तों कि कौन से क्वेश्चंस इन सभी फैक्ट्स पे बेस्ड हमारे साथ हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ द नेशनल साहित्य एकेडमी अवार्ड, अर्थात राष्ट्रीय साहित्य एकेडमी पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे। ऑप्शंस में कुछ नाम है जैसे कि ए फकीर मोहन सेनापति, बी गोपीनाथ मोहंती, सी प्रतिभा रे या डी सुरेंद्र मोहंती। The next question is, who is the author of the famous novel Amrutara Sanatana? अर्थात प्रसिद्ध उपन्यास अमृत सनातना के लेखक का नाम आपको बताना है। ऑप्शंस में कुछ नाम है जैसे कि ए मनोज दास, बी सरोजनी साहू, सी गोपीनाथ मोहंती या डी फकीर मोहन सेनापति। Now the third question is, when was the League of Nations officially dissolved? अर्थात किस वर्ष में राष्ट्र संघ को आधिकारिक रूप से भंग कर दिया गया था। ऑप्शन है ए 1945, बी 1946, सी 1947 या डी 1948। एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिचुएटेड, अर्थात संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय कहाँ स्थित हैं। ऑप्शन है ए पेरिस में, बी रोम, सी न्यूयॉर्क सिटी या डी जिनेवा। The next question is, with which musical instrument was Panna Lal Ghosh associated? अर्थात, Panna Lal Ghosh किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? Options हैं A tabla, B sarod, C flute या D sitar। और sixth question है, which was the first lunar mission to carry a surface soil sampling scoop? अर्थात सरफेस सोयल सैंपलिंग स्कूप को अपने साथ ले जाने वाला पहला चंद्र अभियान कौन सा था। ऑप्शन है ए सर्वेयर 3, बी सर्वेयर 1, सी सर्वेयर 5 या फिर ये है डी सर्वेयर 6। और अब इन सभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और कुछ बेहद लाभदायक फैक्ट्स के साथ आज के इस सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बेहद लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स निरंतर हमारे साथ कमेंट सेक्शन में आप शेयर करते रहिए। विद दिस हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड स्टे सेफ।